We saw in class 7 that Pahili and Buzo had visited forest along with Professor Ahmed and Tibu. आपने देखा होगा कि 7 class में Pahili and Buzo Professor Ahmed और Tibu के साथ forest घूमने गए थे. Other children in class were also eager the sepa experience such as them visited Bharatpur sanctuary. भरतपुर में गए वो. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lucknow Wildlife Sanctuary. कुछ एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, कुछ लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व. ये सब क्या है? रिजर्व सेंटर के नाम है. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, मतलब प्लांट को कम करना, डिफॉरेस्टेशन करना. ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट इन द अर्थ. बहुत वेराइटी, अलग अलग तरीके की प्लांट और एनिमल की विविधताएं कहाँ पर है? अर्थ पे एग्जिस्ट करती है. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. ये बहुत ज़रूरी थी. टुडे मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डिफॉरेस्टेशन. ये सबसे महान क्या है? डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है. वी नोट द डिफरेंस मीन क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस. आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट को हटाना, जंगलों को ख़त्म करके उस ज़मीन को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना. ट्रीज इन द फॉरेस्ट करने द सम पर्पज मेंशन बिलो. जो ट्रीज होते हैं वो इसलिए पर्पज़ के लिए काटे जाते हैं, प्रोस्योरिंग लैंड ऑफ कल्टीवेशन. जो लैंड होती है उस पर खेती की जाए, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्री बनाई जाए, मेकिंग फर्नीचर बनाई जाए. इसके अलावा उससे ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है. सम नेचर कॉजेज डिफॉरेस्टेशन आज फॉरेस्ट फायर सर ड्रॉट. इसके कारण क्या आ जाता है? सूखा पड़ता है. एक्टिविटी 7.1 कॉन्सिक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. जब भी हम पेड़ों को काटते तो उसका क्या कॉन्सिक्वेशन होता है? पहले इन बुजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. दे रिमेंबर दैट डिफरेंशिएशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. पहले इन बुजो क्या करते हैं? कॉन्सिक्वेशन क्या होता है? इसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है और पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है. इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमोसफियर. इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है. ग्राउंड वाटर लेवल भी इससे कम हो जाता है. दे नो द डिफरेंशिएशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. वे जानते हैं कि इसके कारण बैलेंस नेचर का डिस्टर्ब हो जाता है. दे वर टोल्ड द प्रोफेसर अहमद एंड इफ कटिंग ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. इसने क्या बताया कि जो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ट्री को अपन कंटिन्यूसली काटेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी. इसके अलावा चांसेस बढ़ जाएंगे नेचुरल क्लाइमेट्स के, जिसमें सूखा बाढ़ दोनों हो सकते हैं. रिकॉल दैट प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्यूअर ट्री वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज ऑफ रिजल्टिंग इन द इंक्रीज. तो क्या हो जाएगा? प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की उनको ज़रूरत रहती है. अगर मान लो इस चीज़ को काट दे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट देखते हैं. अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग की पोजिशन आ जाएगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अर्थ जो होगी गर्म हो जाएगी. द इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मेनी रिड्यूस रेनफॉल दिस कॉल्ड ड्रॉट. इसके कारण क्या हो जाएगा? टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा ज़्यादा और सूखा पड़ेगा. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लेड द चेंज ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टी. डिफॉरेस्टेशन कारण सॉइल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन वेजिटेशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके द्वारा अफेक्ट होती है? प्लांटेशन वेजिटेशन के द्वारा. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल ओरिजन. आप क्लास 7 में देख सके हैं कि सॉइल इरोजन किसके द्वारा होता है. फ्यूअर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. कुछ ट्रीज के कारण सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द वाटर हार्ड एंड रॉकी लेयर. इसमें
ऊपर की जो लेयर होती है ख़त्म हो जाती है। दिस सॉइल हैड लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल, इसके कारण ह्यूमस कम हो जाता, फर्टाइल कम हो जाती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कवर्ड इन टू डेजर्ट, दिस इज कॉल्ड दिस डेजर्टिफिकेशन। इसका फर्टाइल लैंड जो रहती है कवर्ड हो जाती है डेजर्ट में, कन्वर्ट टाइम हो जाती है मरुस्थल में, इसका इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लेड अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफोरेस्टेशन के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है पानी की, वो मिट्टी की। सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, ग्राउंड का जो सरफेस लेवल है वो भी कम हो जाता है। सो देयर आर फ्लड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट लाइक टेक्सचर, इसके कारण फ्लड आती है। और अदर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, टेक्सचर उसका बिगड़ जाता है, ऑल्सो चेंज बिकॉज डिफोरेस्टेशन, क्योंकि ये सब डिफोरेस्टेशन कारण होता है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, दिस प्रोडक्ट विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री, हमें इससे ज़्यादा मुसीबत देखना पड़ सकती है अगर हम कंटिन्यूसली ट्रीज़ को कट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको कल रीड कराऊंगी, आप इस चैप्टर को घर पे रीड करिए।